समय उनकी पूजन अर्चन करती है, सेवा पूजा करती है। अब तो दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, अब तो फोटो, पति के फोटो में रम गई है वो। ध्यान से सुनना, अब वो फोटो में रम गई है। एक दिन उसका पति, असली पति, द्वार पर चला आया। हे कृष्ण, मैं तुमसे ये प्रश्न पूछती हूं, क्या अब भी पति के फोटो का ही पूजन करेगी कि द्वार पर आए पति का पूजन करेगी? तब कृष्ण बोले, अब फोटो से क्या लेना देना है, अब तो असली रूप में आए पति की ही पूजा करेगी। तब चिल्लाई और कूदी, बस आज तक हम अपने आप ही पति के फोटो, जो प्रतिबिंब के रूप में जो घर में पति है, हम उन पति की पूजा करते रहे, हम उन पति का अर्चन करते रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहे, उनकी ही सेवा करते करते आज आप साक्षात शाश्वत पति रूप में हमारे सामने खड़े हो। अब हम काय को पूजें, अब तो हम आप ही को पूजेंगे। कृष्ण निरुत्तर हो गए, अब कोई जवाब नहीं। एक कृष्ण, अरे अनेक गोपियां, कहां जाओ? कृष्ण हरे, रास में प्रवेश किया, लीला हुई। कृष्ण मेरा है, सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हुआ और सूक्ष्म अहंकार के कारण कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। पगडंडी के सारे 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 कृष्ण के पद चिन्हों को देखने के सारे सारे पीछे पीछे चले, कई हमें कृष्ण मिल जाए, लेकिन कई कृष्ण नहीं मिला। गोपियां विलखती रही, चारों ओर गोपियों कृष्ण को खोजती रही। गोपी गोपी, देख देख, वो देख, कुछ पुष्प गुच्छ नीचे पड़े हैं, लगता है यहां पर कृष्ण ने उस गोपी का श्रृंगार किया है, निश्चित रूप से श्रृंगार किया। वह गोपी कौन होगी, कितनी पुण्यशाली होगी, वो गोपी कितनी भाग्यशालिनी होगी जो एकांत में उस गोपी को लेकर कन्हैया गया है। सचमुच आज उस गोपी का जीवन धन्य हो गया। सखी देख आगे, यहां तो कन्हैया के ही पद चिन्ह है, गोपी के तो है ही नहीं। कहां गया? केवल कृष्ण के पद चिन्ह है। दूसरी सखी ने कहा, लगता है गोपी ने हट की होगी, नहीं मैं पैदल नहीं चलूंगी, बिल्कुल नहीं, मुझे और आगे ले जाना चाहते हो तो मुझे कंधे पर बिठाओ। और कन्हैया उस गोपी को कंधे पर बिठाकर ले गए आगे। उस गोपी को अहंकार हुआ, देखा कृष्ण तो मेरा ही है, कृष्ण मेरा ही है, क्या ये अहंकार नहीं, ये वासना नहीं? ऐसा सोचना और ऐसा मानना भी वासना है। और ये रास लीला ऐसी सूक्ष्म वासना, ऐसा सूक्ष्म अहंकार को धोने का, उसको जलाने का नाम रास लीला है। अरे भाई, आप लोग क्या कहते हो, हमारा जीवन, हमारा तन मन धन सब कुछ पति के चरणों में न्योछावर है, हम पति की हैं, यही कहते हो?
हम पति की हैं कि ये कहते हो नहीं पति मेरा है, तो तुम्हें क्या संदेह है क्या? हाँ बोलो, तुम्हें संदेह है क्या? ये कैसे तुम कह सकती हो कि पति मेरा है? ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। हा हा, मैंने कौन से जन्म के ऐसे संचित पुण्य जिसकी वजह से आज मैं ऐसे पति की अर्धांगिनी बनी हूं। मैं नहीं की हूं, अब न बाप की हूं न भैया की हूं, किसी की नहीं हूं, मैं केवल मेरे पति की हूं। ये कहते हैं समर्पणता, इसको कहते हैं समर्पणता। ऐसी समर्पणता में भी यदि सूक्ष्म वासना या सूक्ष्म अहंकार कि कृष्ण मेरा ही है ये भाव जहां है, वहीं कृष्ण का अनुभव तुमसे विलग हो जाएगा और तुम्हें वियोग स्थिति में डुबा देगा। कृष्ण का सानिध्य और कृष्ण का सह वास जीवन चाहते हो तो साधकों सूक्ष्म वासना को भी जीवन में उत्पन्न मत होने दो। सूक्ष्म अहंकार भी, ऐसी अनुभूति होने पर भी कभी सूक्ष्म अहंकार भी उत्पन्न मत होने दो, वरना न जाने कब इन गोपियों की तरह, चाहे वो गुरु रूप में हो चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, उसका वियोग तुम्हें सताएगा। और पता है उस गोपी का क्या हुआ? उस गोपी ने जैसे ही अहंकार किया ना, कन्हैया के कंधे पर बैठे देखा कृष्ण मेरा ही है, उसी वक्त भगवान ने कहा अरे गोपी, ओ गोपी, ओ राधे, जरा मेरा कंधा दर्द कर रहा है, थोड़ी संभल के बैठ, मैं तुझे उस पार ले जाना चाहता हूं, थोड़ा संभल के बैठ। अरे तो कैसे बैठूं, मैं क्या पकड़ूं? बोले यारा सामने पेड़। और जैसे ही आगे बढ़े कृष्ण और पेड़ पकड़ा उस राधा रूप गोपी ने, और उसी वक्त कन्हैया 9-2-11 वो उंधी लटकती रही, और ये गोपियां इधर से खोजती खोजती औंधी लटकी हुई उस राधा गोपी को देखकर, दत्त तेरी की छलिया है ना, वो तेरे को छल के चला गया, देखा? अरे तुम हंसो मत, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। फट से नीचे उतारा, कोई पूतना बने, कोई शक्टासुर बने, कोई तृणाव्रत बने, लेकिन कृष्ण नहीं मिले। लेकिन व्रज के उस यमुना के किनारे गीत गाया, आइए बड़े भाव प्यार के साथ गोपी गीत जिसे कहते हैं, कुछ श्लोक। जयते ते देकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत रहे जयति ते एकं जन्मना व्रज श्रयदयिन्दिरा शश्वत रहे दयित दृश्यता दिक्षुतादिका त्वयि धृता सव त्वान्विचिन्वते Yeah.
शरद त्वाशये साधु जात स शरद त्वाशये साधु जात स सर सिजोदर श्री मुशाद्रशा सूरत नातते अशुर गदा सिवा वरद ओ माधव ओ केशव श्याम सामरे जिनके चरणों की दिन रात सेवा करने वाली वह लक्ष्मी उस लक्ष्मी जी के चरण कमल जो विष्णु के हैं जिनको पाकर लक्ष्मी जी अपने जीवन में औभाग्य समझती है आज वही चरण विष्णु के हे नाथ आपके इस धरती पर पड़ने से धरती धन्य हो गई ये पावन हो गई हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं यहां की चरण रज को लेकर अपने माथे पर लगाकर लेकिन प्रभु जिनके स्वरूप का दर्शन करके हम पागल हो गई हे प्रभु जिनकी वाणी सुनकर हमारे कर्ण कुहरों के जरिए आपकी वाणी के शब्द जो हृदय में पड़े जिससे हृदय द्रवीभूत होकर आप ही में लग गया आपको पाने के बाद हमने सर्वस्व सुख का त्याग कर हे नाथ हे कृपा निधान दिन रात हम जिनका भजन करते हैं सर्वस्व सुख त्याग कर हम सदा सर्वदा के लिए हम आप में रत हो गई उसी भरोसे हम आज आपको पाने के लिए आए लेकिन आप हमें छोड़कर के चले गए चारों ओर हम निहार रहे इस भयावह वन में इस वियोग वन में हम चारों तरफ ढूंढ रही है कहीं से हमको आप मिल जाए लेकिन नाथ हम चारों ओर खोजते खोजते हमारी आंखें तरस रही
लेकिन आप हमें कहीं दिखाई नहीं दे। हमारा और कौन है, आप ही तो प्राण धन है। हमने सुना कि आप इस धरती पर जीव मात्र की रक्षा करने आए, उतना सकता सुतना व्रत आदि से आपने इंद्र के प्रकोप से चक्रवर्ती तूफान से नाथ आपने हमारी रक्षा करी, लेकिन आज हमें छोड़कर क्यों चलेगा, आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए। जिनकी छत्र छाया में आनंद मिलता है, जिनकी छत्र छाया में सुख मिलता है, वो आपका कर कमल नाथ हमारे मस्तक पर चाहिए। पधारिए नाथ, पधारिए। विरचिता हो विरचिता भयम् स्रदेवया हर सरोरुहम् कातकामदम् शिरसिद्धेना श्रीकर आपका वह कर कमल सदा सर्वदा के लिए मस्तक पर धर दीजिए, ताकि हम निर्भय हो जाएं, ताकि हम अभय हो जाएं। आप कुछ कृपा करें नाथ, आपने हमारा क्यों वध किया है नाथ। भैया ओ भैया मोबाइल बंद करें, यहां मेरे सामने आगे बैठकर आप मोबाइल चालू कर रहे हैं, क्यों रस में भंग कर रहे हैं। कोई भी बात नहीं करेगा, प्रणत देना पाप कर शरम प्रणत देना पाप कर शरम चरणोगम श्री निकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाब्धम प्रणो प्रचे जय जयति एकम तव कथा प्रतम तत् जीव
स्वरम कवि देतम कल्मषाकं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति ते देकं प्रभु आपका चरण कमल इस वक्षस्थल पर आकर आपका सदा सर्वदा के लिए गिर जाए। इस हृदय मंदिर में प्रभु आपके चरणारविंद विराजे, क्योंकि समस्त कामनाएं यही उत्पन्न होती है। नाथ आप इस हृदय मंदिर पर कृपा करें। काले नाग पर आपने कृपा करी, जिसका भय मिटाया। प्रभु वही चरण मेरे हृदय पर धर दीजिए। प्रभु मैं जन्म जन्मांतरों तक मैं आपके चरण कमल की दासी बनकर रहूंगी। हे कृपा निधान, हे करुणा वरुणालय, हम चारों ओर आपको खोजते खोजते थक चुकी है। वियोग की पराकाष्ठा में डूबकर, इस वियोग सागर में हम डूब रही है। नाथ हमें दर्शन दे दीजिए। अरे तुम मेरे वियोग में फिर जीवित कैसे हो? बोले तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये तो तुम्हारी कथा, तुम्हारी जो लीला है, सुन सुन करके नाथ यही आस रहती है कि शायद अब कृपा कर दे, अब कृपा कर दे। ये दुनिया में कथा न होती, सचमुच हम संसार के इस भया वातावरण संसार से उपराम कर, हे प्रभु तुझमें समर्पित होने की हमें सीख देती है। सचमुच ये कथा नौका, इस कथा को नौका मानकर हम उस परमात्मा के समीप पहुंच सकते हैं। 7 दिन आप इस नौका में बैठे, भगवान के पास पहुंचने का ये साधन है कथा। साधकों कथा से प्रेम हो जाए, संत से प्रेम हो चाहे ना, लेकिन कथा से प्रेम हो, कथा से अनुराग, क्योंकि कथा ये सांसारिक वेदना को दूर करने में समर्थ है। कथा रस ही संसार के ताने बाने से आहत होकर हमें परम शांति दिलाती है ये कथा रस। इसलिए साधकों, जीवन में और कोई रस मिले चाहे ना मिले, लेकिन कथा रस पाने के लिए बेचैन रहना। बस जीवन में बार बार कथा रस मिलता रहे, कथा से अनुराग हो जाए। हम कथा में शोभा बढ़ाने आए नहीं, कथा में किसी की बात रखने आए। कथा में हम सज धज करके आए हैं तो
वक्ता को दिखाने आए हैं कि या श्रोताओं को दर्शाने के लिए कि हम ऊंचे घर आने के, हम बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, क्या ये हम दर्शाने आए? मेरी कथा कभी नहीं कहती कि तुम सच धज के आओ, मेरी कथा कभी नहीं कहती कि तुम बंठन के आओ, मेरी कथा कभी नहीं कहती कि तुम कड़प लगा के आओ, मेरी कथा कभी नहीं कहती कि तुम बाहर से बिल्कुल सफेद जग होकर आओ, मेरी कथा कभी नहीं कहती कि हम इस तरह से भाव दर्शाएं, मेरी कथा सचमुच अनुराग दिलाना चाहती है, प्रेम दिलाना चाहती है, और मेरी कथा से प्रेम हो गया साधकों, एक दिन कथा सुनते सुनते मेरे भगवान से भी प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। कथा तो वो साधन है साधकों, इसलिए और कहूं इस ब्रह्मपुर में बहुत वक्ता आएंगे, बहुत वक्ता आएंगे, ये तो घाट है, ये हरिराम के घाट पर बैठकर तुम सुन रहे हो, इससे बढ़िया भी कल घाट आएगा, इससे हल्का भी घाट आएगा, घाट कैसा भी हो, चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, उससे मतलब नहीं है, हमको तो केवल कथा चाहिए, और जीवन कथामय हो जाए ताकि संसार के ताने बानों से मुक्त होकर हम सदा सर्वदा उस प्रेम रस में भिगोए रहे, चाहे अब कितनी भी परिस्थितियां आए, अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, चाहे हमारे जीवन में कितना भी सुख दुख आए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हम कथा में है और कथा मेरी है, और कथा में डूबते 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 एक दिन तुम परमात्मा में डूबना सीख जाओगे, ऐसा साधन है। गोपियां कहती है नाथ, बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है वह आपका अधरामृत नाथ हमें प्रदान कर दीजिए, देवताओं को दुर्लभ है, योगियों को दुर्लभ है, उस अधरामृत का हम पान करना चाहते हैं। ठाकुर प्रसन्न हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, देवता लोग आकाश मार्ग में, गोपियों के प्रेम के आंसू आ गए, मानो कि किसी लोभी का धन खो गया और अचानक मिल जाए, कितनी खुशी होती है, किसी की खोई हुई स्त्री अचानक दिख जाए कितनी खुशी होती है, किसी का बालक खोया हुआ अचानक किसी माँ को मिल जाए वो किस तरह से द्रवीभूत हो जाती है, महाराज किसी को संपत्ति मिल जाने पर कितनी खुशी हो जाती है, ऐसे ही भगवत भक्त वही है जिसको कथा मिल जाए मानो कि भगवान मिल गया, सर्वस्व मिल गया, बस प्रेम के आंसू में डूब गए, प्रेम रस में ऐसे डूबे ऐसे डूबे ऐसे डूबे, आज अचानक भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्म के रूप में पाकर देखा, गोपियां हर्षित हो गई, नाच उठी और सबके सब महाराज में प्रवेश किया। आइए बड़े भाव प्यार के साथ महाराज में हम डुबकी लगाते हैं, पूरे पूरे भजन हो चाहे ना हो लेकिन दो दो कड़ियां गा करके इस तरह का माहौल इस महाराज में होगा, सबका संजोय हो जाए। राधा नाचे ओ, कृष्ण नाचे ओ, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन,
सावरे ओ सावरे ओ सावरे 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 सावरे। तालियां बजाते हुए मीठे मीठी ऐसी अनुभूति करो कि हम सब गोपियां हो गई और उस शाश्वत कृष्ण के साथ हम रास खेल रहे हैं, क्योंकि रसौ प्रीशा ये रस की अनुभूति ऐसा रस है जिसे गुजराती में कहे छे कि रास अभी क्यों सदा सदा माटे रास अभी क्यों गुजराती में कहे छे जे प्रभु ने गम्यू जे प्रभु ने नम्यू जे प्रभु ने गम्यू और गम्यू पछी रास आवी जाए पछी तो भगवान सारा माटे खुश थई जाए और पछी आंगन में नाचवा लागे छे। हरि बोल। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे हो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सूर्य संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सूर्य संग मन मेरो बन गयो सके पवन वृंदावन मन मेरो बन गयो सके पवन वृंदावन ओ सावरे ओ सावरे सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे सावरे ओ सावरे 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 रचाओ दी राधा रानी बुलाए रही आओ दे संग राधा के रास रचाओ दी मापन चोरे रास रचैया मापन चोर है रास रचैया कमली वाले बंसी बजैया कमली वाले बंसी बजैया गोपुर वाले गैया चलैया मथुरा वृंदा वन के बसैया शाम सांवरे आलिया बजावे हे कुर्सी पर राजा सी बुलाए रही आओ दी संग मेरा के रास रचाओ दी ओ राजा रानी बुलाए रही आओ दी संग राजा के रास रचाओ दी We'll be right back.
रास खेले रे रास्ता करिया ओ तन छेड़े तन छेड़े तन छेड़े आज दुर्गैया रास खेले रे राधा कन्हैया गजैया रास के ले तागनिया रचैया रास खेले राधा कन्हैया राधा थापे राधा की भैया रास खेले राधा कन्हैया
जो आवे नशा रस जावे नशा रस रबवाजे आवे आवे रस रबवाजे वेलो आवे ओ रस रबवाजे वेलो आवे ओ थारे बिना शामते एक लड़ो लागे रस रगवाने वेलो आवजे रस रगवाने वेलो आवजे रस रगवाने वेलो आवजे आज कृष्ण पधारिया रास रजनी रबवा रास रजनी रबवा गोपिया ना मन दा परवा रास रजनी रबवा गोपिया ना मन दा परवा आज कृष्ण पधारिया रास।